हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने जो ड्रैगन फ्रूट लगाए थे वो, तो यहाँ पर जो कुछ मैंने फ्लावर पॉट में फ्लावर्स लगाए हैं वो दिखा रही हूँ। ये भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये रहा मेरा ड्रैगन फ्रूट जो कि मैंने दिसंबर में लगाया था, और ये अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। और इसको जो है, ये सपोर्ट देने के लिए एक तो हमने पोल बीच में लगाया, और साथ में इसको रस्सियों से बांधना पड़ता है ताकि इसके जो है जो रूट वो ऊपर शाखाएं जा रही हैं ब्रांचेस वो मतलब ऐसे नहीं तो लटक जाते। तो फ्रेंड्स, ड्रैगन फ्रूट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हमने रस्सियाँ बांध दी हैं, और इससे ये जो है बिखरेगा नहीं ऊपर पोल तक, इसकी हाइट बढ़ेगी और इसके बाद फिर इसकी ब्रांचेज जो है वो लटकने स्टार्ट होती हैं, और फिर उसके बाद इसमें फ्रूट लगता है। और यहाँ पर ये रहा देसी आम, और इसके साथ ये वाला जो है ये दूसरी वैरायटी है कोई आम की, ये भी काफ़ी मीठे हैं। और इस बार जो है आम काफ़ी लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको दूसरा ड्रैगन प्लांट दिखाई दे रहा है नीचे, ये हमने ज़मीन में लगाया है और इसकी भी अच्छी ग्रोथ हुई है। दोनों की ग्रोथ जो है वो सेम हुई है, हमने टेस्ट करने के लिए लगाया है ये ताकि पता चले कि गमले में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है या ज़मीन में, तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और एक जो है इसके साथ ही हमने यहाँ पर भिंडियाँ लगाई हुई हैं, ये रहा हमारा किचन गार्डन, बीन्स लगाई है, और ये बाथू का साग, और इसके पीछे मक्की लगाई है, और मक्की के पीछे जो है वो चारों तरफ आपको जो है ये आंवले दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे आंवले के पेड़ यहाँ पर, कुछ दूसरी साइड हैं, और हमने काफ़ी 150 के करीब आंवले लगाए हुए हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी भी आई हुई है, उसको भी हॉलीडेज़ पड़ी हुई हैं आजकल, वो भी आम खाने का पूरा एंजॉय कर रही है। और ये रहा हमारे घर से पीछे दिखाई देने वाला रंजीत सागर डैम, ऐसे तो कम दिखाई देता बट इस बार रावी का पानी ज़्यादा बढ़ने से जो है इसका वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। और ये रहे हमारे घर के पीछे अमरूद, ये भी हम नर्सरी से लाए थे एक पेड़, और एक जो है वो पुराना है, उसको तो काट दिया है, फिर भी उसकी और नई ब्रांचेस लगी हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे पीछे घर के आंवले के पेड़, और साथ में यहाँ पर जो पीछे पे खेत है उसमें हमने लगा रखी है मक्की, नहीं तो यहाँ पर हम बीच में चेंज करके लगाते हैं, बीच में कभी दाल लगा देते हैं कभी मक्की, तो इस बार फिर से मक्की लगाई है, लास्ट ईयर हमने दाल लगाई थी। और ये फिर से आपको रंजीत सागर का डैम का व्यू दिखाई दे रहा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के सामने का व्यू, और ये साइड पे खेत, हमारे यहाँ साइड पे एक गाय को बांधने वाला उसका काउ शेड, और साथ में ये रहे सामने हमारे नेबर्स जिनके पुराने स्लेटों के घर हैं, और ये जो होते हैं ये काफ़ी ठंडे हैं, और ये इनके मिट्टी वाले घर हैं, और बिल्कुल ठंडे गर्मियों में भी यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।